हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्पीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कहीं आपका स्पेसिफिक पर्सन अकेला तो नहीं है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके इमेजिनेशन में आपका स्पेसिफिक पर्सन कहीं आपको अकेला तो नहीं दिख रहा है। जब जब हमें हमारा स्पेसिफिक पर्सन हमारे इमेजिनेशन के अंदर अकेला दिखने लग जाता है ना, तब हम उस पर्सन को अपने आप से एक नहीं कर पाते। हम उस पर्सन को अपने आप से दूर करके रखते हैं और इस दूर करने वाली फीलिंग के साथ ही हम अपनी सारी टेक्निक को डन करते हैं। और जब हमारे इमेजिनेशन में हमने अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपने साथ रखा ही नहीं है, तो आप ज़रा सोच के देखो कि क्या आपके लिए आपकी की गई सारी टेक्निक वर्क करेगी। अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके इमेजिनेशन के अंदर, आपके माइंड के अंदर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे दूर है? और ये चीज़ को जानने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जिसे आपको चेक करना है, और अपनी लाइफ में अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है ना, तो इसे तुरंत ही चेंज कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को बहुत ज्यादा पूरे दिन मिस कर रहे हो। जी हाँ, अगर आप पूरे दिन अपने स्पेसिफिक पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो ना, तो आप उसे अपने आप से अलग कर ले रहे हो। सिर्फ ये फिजिकल रियलिटी में नहीं, आप अपने मेंटली भी उस पर्सन को अपने आप के साथ एक करके नहीं देख रहे हो। आप अपने आप के साथ उसको एक मान ही नहीं रहे हो। और जब आप अपने विश के साथ अपने आप को एक करके नहीं देख रहे हो, तो आप सोच के देखो कि क्या आपके द्वारा की गई सारी टेक्निक आपके लिए वर्क करेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करते हो और उदास हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो और कई बार तो आप रोने लग जाते हो। जब आप रोते हो उस पर्सन को याद करके, उदास होते हो, तो आप अपने माइंड में ये मैसेज भेजते हो कि ये चीजें मुझसे बहुत दूर है और यही दूरी मुझे मेरे खुद के अंदर ना तकलीफ दे रही है। और इस वजह से क्या होता है ना कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ कभी मेंटली एक नहीं हो पाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ एक नहीं है मेंटली, जब हमारे साथ कोई पर्सन, हमारा क्लोज वन हमारे साथ नहीं होता है ना, तब हम क्या फीलिंग अपने अंदर ले आते हैं कि हम अकेले हो गए हैं। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और अपने आप को पूरे दिन अकेला महसूस कर रहे हो ना, तो आपने मेंटली यूनिवर्स को ये मैसेज नहीं भेज रहे हो कि यूनिवर्स, मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे साथ है, ये पर्सन मेरे पास है, ये पर्सन के साथ मैं अभी खुशी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। और ये स्ट्रांग मैसेज के अलावा आप ये चीज यूनिवर्स को भेजने लग जाते हो कि यूनिवर्स, मैं अकेली हूँ, मेरा किसी भी काम में ना मन नहीं लग रहा है, मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही। जब आप इस तरह की चीजें अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के अंदर फील करते हो ना, तो आप अपनी विश से अपने आप को एक नहीं करते हो, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से जानबूझ के अपने आप को दूर करके रखते हो। और ये सारी चीज ना आपको जल्द से जल्द अपने अंदर ना बदल लेनी है। और पॉइंट नंबर फोर्थ, हमारा सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो कभी भी जिस प्रोसेस को आप डन कर रहे हो, आपको उस पर डाउट नहीं करना। आपको ये वाली बात अपने माइंड से निकाल देनी है कि मेरा प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है आपकी रियलिटी में अभी आपको चेंजेस नजर नहीं आ रहे, पर जो चेंजेस आपके स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में हो रहे हैं, उसकी लाइफ में हो रहे हैं, उसके मन में हो रहे हैं, उसकी फीलिंग्स में हो रहे हैं ना, वो आप नहीं पता लगा सकते। आपको वो बातें तब तक पता नहीं लग सकती जब तक आपका स्पेसिफिक पर्सन आकर आपकी लाइफ में आपको वो सारी बातें नहीं बोल देता। इसीलिए कभी भी अपने प्रोसेस पे आपको डाउट नहीं करना, यूनिवर्स की प्लानिंग पे डाउट नहीं करना, अपनी विश पे आपको कभी डाउट नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सबसे पहले इन सारी चीजों पे वर्क करना है अपनी टेक्निक के साथ। और जैसे ही आपके मन के अंदर ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी ना, उसी समय आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में ना अट्रैक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।